किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार त्यागी और आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान चैनल में। किसान भाइयों, मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, जिज्ञासा हैं, जो लोग मुझे वेस्ट डिकम्पोजर के बारे में लिखते हैं। तो आज मैं आपसे वेस्ट डिकम्पोजर के बारे में बात करने जा रहा हूं। और मैं ये भी, मेरे से अक्सर सवाल पूछते हैं, कुछ कहते हैं कि मेरे वेस्ट डिकम्पोजर में कीड़े हो गए, मेरा वेस्ट डिकम्पोजर काला हो गया, मैं इसको क्या करूँ, क्या मेरे ज़मीन से जो 350 फुट से पानी निकलता है थोड़ा गर्म होता है, इस विभिन्न प्रकार के सवाल पूछते हैं। तो इनमें से अधिकतर सवालों का मैं जवाब देने जा रहा हूँ। आप किसान भाइयों ये देखिए, ये जो ये मेरी बाल्टी में कल्चर है, ये कई माह पुराना कल्चर है, जिसे मैं मदर कल्चर के रूप में कहता हूँ। जब कोई मेरे पास आता है तो मैं इसमें से देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने अपने घर से मंगाया है, वहाँ पर मैंने 40-50 लीटर रखा हुआ है। ये देखिए कितना अच्छा रंग है, ये देखिए ये बिल्कुल साफ है, इस तरह का रंग है। और इसमें अगर आप देखोगे तो थोड़ी सी फफूंदी भी दिखाई दे सकती है, उससे घबराने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल दिखाई देने दीजिए। लेकिन आपको इसमें कैमरे में इसकी खुशबू नहीं आएगी, नहीं तो इसकी एक अजीब सी स्मेल होती है और बहुत अच्छी लगती है। इस वेस्ट डिकम्पोजर को बनाने के लिए मैंने 3000 लीटर का, ऊपर कई बार बता चुका, ये मैंने एक सेटअप लगाया हुआ है। ये मेरा मोटर है, फिर मैं बता रहा हूँ, जिसमें आज ही मैंने 10 किलो गुड़ डलवाया है, क्योंकि कल मैंने अपने जब अमरूदों में सिंचाई की थी, मैंने सारा उसमें बहा दिया था। और इसमें 10 किलो गुड़ डलवाकर अभी ये मोटर चल रहा है, तो ये पानी रोटेट होगा और ये कल शाम तक पूरा 3000 लीटर फिर से जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। इसको कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, मैं कई बार कर चुका हूँ। 10 लीटर गुड़, फिर सुन लीजिए, 10 किलो गुड़ आप इन तीनों टैंक में तीन हिस्से में करके डाल दीजिए 3000 लीटर में, और उसको चलाइए कम से कम 4 घंटे मोटर से चलाइए, 2 दिन में आपका बिल्कुल कल्चर तैयार हो जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि जो 200 लीटर पानी में 2 किलो गुड़ की आवश्यकता होती है, वो ज़रूरी नहीं है। अगर आप किसी मोटर के जरिए रोटेट करते हैं तो कम समय में और कम लागत में वेस्ट डिकम्पोजर बना सकते हैं। आज तक दुनिया में इससे सस्ती और इतनी जल्दी इस तरह की सुविधा कहीं नहीं मैंने देखी है। इस खेती में इससे सस्ती नहीं हो सकती, और इससे ही आपकी आमदनी दुगनी तो निश्चित है। मोदी जी दुगनी कहते हैं, मैं तो 4-5 गुनी करने की सोचता हूँ। अब आइए इसके मैं आपको प्रोडक्ट दिखाता हूँ। किसान भाइयों, ये ड्रम है जिसमें मैंने वेस्ट डिकम्पोजर डाला हुआ है। ये पाइप देखेंगे, ये पाइप से मैंने भर दिया था इसको, तो इसमें करीब 140-150 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर होगा। और देखिए इसमें कुछ पत्तियां पड़ी हैं, ये देखिए, तो इसमें जो लीव्स एक्सट्रैक्ट है, यानी पत्तियों का रस जिसे हम बोलते हैं, ये पत्तियां हैं मेरे खेत से, करीब खेत से और बाहर से 14 प्रकार की पत्तियां हैं, जिसमें नीम, धतूरा, आखा, आंग, कांग्रेस घास, ये मुख्य रूप से होती हैं। और बाकी जैसा मेथा है आपका, चिटचिटा है, डिल्ला है, और कई जितने भी खेत में मिलते हैं आप छांट लीजिए। मैंने अपने एलोवेरा से 10 प्रकार की कम से कम पत्तियां ली हैं। उन पत्तियों को लेकर आप ये देखिए, ये कट्टे रखे हैं 3-4 जो है ना, इसमें ये इस प्रकार जो चारा काटने की मशीन होती है उससे हमने काट लिया इसको। अब काटने के बाद हम इसको इस प्रकार छेदते हैं, थोड़ा छेद लीजिए इसको, अच्छा लगता है। अगर पत्थर पर जितना करेंगे, अगर बड़ा आपके पास कोई मिक्सर है तो उसमें ग्राइंड भी कर लीजिए, बेसिकली इसका रस निकालने का होता है। तो इसको हम इसमें डालेंगे और 21 दिन तक इसको बंद कर देंगे। 21 दिन के बाद जो इसमें रेजिडुअल बचेगा, जो अवशेष बचते हैं, उनको जब हम निचोड़ेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा पेस्टिसाइड, जिसे हर्बल पेस्टिसाइड बोलते हैं, वो निकलेगा। क्योंकि वेस्ट डिकम्पोजर की डॉक्टर कृष्ण चंद्र बार बार बताते हैं कि ये उनमें से जितने भी केमिकल हैं वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। और आपने देखा होगा, जितनी भी घास आती है उस पर कभी कोई बीमारी नहीं आती। तो ये केमिकल, ये मेन चीज उनकी नोट करने की है, शायद कितनों लोगों ने नोट की मुझे नहीं पता, जब ये केमिकल पड़ेंगे, जो हर्बल केमिकल हम कहते हैं, जब पड़ेंगे उस पर, तो कीट तो भागने निश्चित है वहां से। और 10% से इसकी, आपने, मैंने वीडियो में जिससे मैं बताया था कि भाई आपके मित्र कीट आ गए हैं, तो ये मेरा एक तरीका है। ये तो हुआ मेरा पहला उत्पाद। आइए अब मैं आपको एक दूसरा उत्पाद दिखाता हूं। किसान भाइयों, ये है मेरा जो है, जो विभिन्न प्रकार के पत्थर हैं, आप देखें कि कैसा रंग हो गया इसका। आप इसे ध्यान से देखिए, दिखा दीजिए,
किसान भाइयों, किसी केमिकल में आप इस तरह से हाथ नहीं डाल सकते। अब आप इसी से सोचिए, और मैं तो इनमें सब में ऐसे ही हाथ डाल के घुमाता रहता हूँ, मुझे कभी परहेज नहीं होता किसी चीज से इसमें, और मेरे हाथ बिल्कुल स्वस्थ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये विभिन्न प्रकार के जो मिट्टी के पत्थर हैं, जो पत्थर हैं उनमें से विभिन्न कणों के और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करता है, और इसे डालिए तो आपकी मिट्टी में वो गुणवत्ता आएगी जैसे कि आपने नहर का पानी दे। आइए मैं तीसरा उत्पाद दिखाता हूँ आपको। ये सब ये देखिए, ये आज ही मैंने इसमें 3 किलो प्रत्येक 3 तिलहन और 3 दलहन डाली है, और 1 किलो गेरू डाला है, और इसमें मैं 2-3 किलो या 4 किलो एलोवेरा भी डलवाऊंगा 2-3 दिन बाद, और इसमें एक तांबे का बर्तन पड़ा है और कीले पड़ी हैं, तो ये हमारा माइक्रोन्यूट्रेंट बन रहा है। आज ही किया है, 21 दिन बाद बहुत अच्छा माइक्रोन्यूट्रेंट तैयार होगा, जिसका मैं 10% का छिड़काव में और 10% का इरीगेशन में प्रयोग करूँगा। ये था मेरा तीसरा जो है प्रोडक्ट। किसान भाइयों, ये मेरे बच्चे हैं, मैं तो इन्हें बच्चे कहता हूँ, जो ये मेरी खाद है, ये दिखाना जरा इधर को। ये जो देखिए, ये जो सारा कूड़ा करकट पड़ा है ना, इसमें मैं पानी छिड़कता रहता हूँ, ये खेत के आसपास का सब है। 50% ये था, 50% गोबर था, और मेरे इन मित्र केचुओं ने देखिए ये क्या बना दिया। आप देखिए कितना बढ़िया खाद बन गया है, ये देखिए, देखिए कितना बढ़िया खाद, और आप देखिए ये कितने कितने अच्छे अच्छे ये मित्र हैं। ये देखिए, देखिए केचुए, और इन केचुए ने जितने मैंने डाले थे उससे दुगने हो गए, तो अपनी मेरे को कोस्ट भी इन्होंने दे दी। और ये खाद इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की दुगनी मात्रा है। और आपको एक और फायदा बताता हूँ वर्मी कंपोस्ट खाद का, जो कंपोस्ट होती है कुर्डी से खाद बनाते हैं हम, उसे जहाँ पर भी डालेंगे तो आप देखेंगे वहाँ बहुत से पेड़ उगाते हैं, क्योंकि जो बीज बचे हुए हैं वो वहाँ पर नष्ट नहीं हो पाते, लेकिन केचुए के अंदर जाने के बाद में जहाँ पर ये खेत डालेंगे वहाँ बीड नहीं होगी। और मैं एक बार फिर याद दिलाना चाहूँगा कि खेत में कीड़े 90% आपके खेत के आसपास की घास से आते हैं और 10% आपके खेत से आते हैं। इन दोनों का प्रबंधन कर लेंगे तो कोई बुराई नहीं। किसान भाइयों, वेस्ट डिकम्पोजर थोड़ा काला हो जाए, अगर आप सिरे वाला गुड़ यूज करेंगे कोई बुराई नहीं है, थोड़ा पुराना हो जाए फेंकिए मत, पानी में बहा दीजिए, उसमें से कुछ रख लीजिए। और मेरी सब आपसे लोगों से निवेदन है कि जब पहली बार बनाएं तो उसमें से 20 लीटर या 10 लीटर निकाल कर अलग रख लें और फिर उसको दूसरे को प्रयोग करें। तो ये था मेरा आज बेस्ट डिकम्पोजर पर। अगर अभी भी आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप मुझे सहर्ष लिख सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।